यार ये लॉज और कितनी दूर है? गाड़ी चलाते चलाते मेरी तो कमर टूट गई है। बस 15 किलोमीटर और, एक बार लॉज पहुंच जा फिर आराम से अपनी कमर सीधी कर लेना। वैसे क्या नाम बताया था तुमने इस लॉज का? वेलकम लॉज। वेलकम लॉज, नाम तो बड़ा फैंसी है। वैसे रहने के लिए कमरे तो अच्छे हैं वहां पे? आई होप सो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रास्ते में वो बोर्ड देख लिया था, नहीं तो पूरी रात इसी कार में बितानी पड़ती थी हमें। वैसे जब हम वहां पहुंचेंगे तो सिर्फ आराम करेंगे, और वहां पे और भी तो लोग होंगे ना। और कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा और। वो आ गए मंजिल पर। फाइनली वेलकम लॉज। ये है वेलकम लॉज। तो मैडम आपने क्या सोचा, यहाँ पर आपको 5-स्टार होटल मिलेगा? अरे जैसा भी यार, रात को सर छुपाने के लिए छत मिल गई कम है। ये लो, आई स्वेर हाँ, पर यहाँ डिनर तो मिलेगा ना? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे यार भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लग रही है। कम, लेट्स गो। लेट्स गो। हेलो, कोई है? लॉज का मालिक कहीं सो तो नहीं रहा? आप यहाँ कोई है? आओ बच्चों, सबका वेलकम लॉज में स्वागत है। नमस्ते, मैं विनय, मैंने आपको फोन किया था कमरे के लिए। तो आओ ना। आओ, तुम लोगों के कमरे तैयार है? आओ। अंकल, अगर कमरे के साथ साथ थोड़ा खाने को भी मिल जाता तो। जरूर जरूर, एक बार हमारे यहाँ खाना खाओगे तो अपनी उंगलियां तक चबाते रहोगे। जब तक खाना लगता है तुम लोग लॉज का खास कमरा देख लीजिए। खास कमरा? हाँ, खास कमरा। इस लॉज का सबसे अच्छा कमरा, लाल कमरा। देखिए, हम यहाँ सिर्फ रात बिताने आए, फिर चाहे कमरा लाल हो या पीला उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो देखनी है और मुझे जरूर देखनी है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या उस कमरे की सारी दीवारें लाल हैं? बिल्कुल, सिर्फ दीवारें ही नहीं, उस कमरे का सब कुछ लाल है। तो दिखाइए ना, जल्दी दिखाइए, मुझे देखना है। आओ, आइए, आइए। Thank you.
ये रहा आपका खास कमरा। लाल कमरा। वाओ, कितना कितना सुंदर कमरा है ना। परेश बेटा, देखो तो मेहमान आए, उन्हें नमस्ते बोलो। ये हमें ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहा था? उसे छोड़िए, ये बताइए कमरा कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। एंड सॉरी गाइस, मैंने तो तय कर लिया है, इस रूम में मैं रहूं। देखो, मुझे ये कमरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ का ये लाल रंग खुशियों का नहीं, खतरों का प्रतीक लग रहा है। आरती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कितना सुंदर तो है, और ये लाल रंग जो है ना, वो खतरे का नहीं बल्कि प्यार का प्रतीक है। तो डिसाइडेड, तुम दोनों इस कमरे में, मैं और आरती दूसरे कमरे में। ये लीजिए काला जामुन, गरम गरम काला जामुन लीजिए। पर इतना सब खाने के बाद मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। सॉरी गाइस, लेकिन आंटी सही बोल रही है, एक निवाला और अंदर गया मेरा पेट फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ना ना, इतनी आसानी से हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। अरे मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो, ताकि तुम लोगों को पता चल सके वेलकम लॉज में कैसा वेलकम होता है। लगता है बुढ़े की सरक गई। बुजुर्ग ऐसे नहीं बोलते। खाओ जी बेटा, खाओ बेटा। आंटी एक काम करते हैं, ये मिठाइयाँ जो है ना, हम लोग कमरे में जाके खा लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ आंटी, आंटी ये सही कह रही है, आप एक काम करो, ये कमरे में ले आओ, हम वहीं पर अपना मुंह मीठा कर लेंगे। गुड नाइट विनय, गुड नाइट आरती। हाँ गुड नाइट गाइस। एंड या आप दोनों को आपका लाल कमरा मुबारक हो। But let me tell you something guys, I am superbly excited. उस लाल कमरे में सोने का मजा ही कुछ और है। Bye. मुझे तो अभी बहुत जोर से नींद आ रही है। और मुझे भी। वैसे कहते हैं ना, अच्छा खाने के बाद बहुत प्यारी नींद आती है ना? Okay, good night, bye. आज रात बहुत मजा आने वाला है। तीन दिनों के बाद कोई आया है उस लाल कमरे में रहने के लिए। रहने के लिए नहीं, लाल कमरे को और लाल बनाने के लिए, और रंगीन बनाने के लिए। प्रिया ये लाइट्स बंद कर दो ना, मुझे नींद आ रही है। अनिल तुम भी ना, अगर लाइट्स बंद कर दूंगी तो इस लाल कमरे की खूबसूरती कैसे देखूंगी? प्लीज प्रिया, तुम तो इस लाल कमरे की दीवानी हो चुकी हो, पूरी जिंदगी यहीं बिताने का इरादा है क्या?
काश काश मैं ऐसा कुछ ही कर सकती, पर फिलहाल एक रात ही काफी है। सो जाते हैं। ठीक है, गुड नाइट। क्या हुआ अनिल, तुमने कोई आवाज सुनी? ये आवाज तुमने सुना ना? हाँ, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कहा था तुमने? काश मैं सारी जिंदगी यहां रह सकती। ऐसा हो सकता है, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। परेश को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये लाल रंग ही तो उसका एक साथी था। लाल रंग में वो ऐसा खुल गया कि इन दीवारों को वो अपनी दुनिया मानने लगा। फिर हम दोनों यहाँ आ गए उसका ख्याल रखने के लिए। उसका मामा, उसकी मामी। लेकिन उसकी मामी को ये लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने जबरदस्ती इस कमरे को सफेद कलर से पेंट कर दिया। हाँ, मैंने अच्छा नहीं किया, और परेश ने इस बात का बदला हम दोनों से लिया। हमको जान से मार कर तब से इस लॉज में जो भी ठहरता है उसे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि इस कमरे की दीवारें यूं ही चमकती रहे। अब तुम लोगों को भी अपने खून की कुर्बानी देनी होगी। क्या बोल रहे हैं? देनी होगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमें जाने दो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। अनिल क्या हुआ? अनिल दरवाजा खोल। ये दरवाजा खोलता क्यों नहीं? लाल कमरे में शोर करना मना है। परेश को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम आवाज करोगे तो परेश को गुस्सा आ जाएगा। अरे आवाज आनी बंद हो गई? अभी तो आ रही थी। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? ठीक तो हो ना अंदर? जब वो तुम्हारा खून निकालेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। बोलो, करोगे ना आवाज? नहीं ना? नहीं नहीं। शाबाश, अब उनको बोलो कि तुम सो रहे हो। कॉकरोच था इसलिए मैं डर गई। कॉकरोच?
और अनिल क्यों चीखा? अनिल? नहीं तो मैं ही चीखी थी, अनिल तो सो रहे हैं। Are you guys okay? क्या बात है, कुछ चाहिए? नहीं। तो जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो आरती। हमें हमें जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। हमने आपका क्या बिगाड़ा? ये सब पहले सोचना चाहिए था, इस लोज में आने से पहले। गलती हो गई, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दीजिए। अब आए हो तो अंजाम भी भुगतो। क्या क्या हाथ छोड़ते, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या किया हमें? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? अनिल कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अनिल छोड़ दो हमें प्लीज। ये क्या हो रहा है? अनिल क्या कर रहे हैं हम लोग? जाने दीजिए ना हमें। क्यों कर रहे हो ऐसा? अनिल कहाँ गए यार दोनों? कब यार? ये अनिल प्रिया कहाँ चले गए सुबह सुबह? हाँ। अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो? जी आंटी, पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह, आपने देखा उन्हें? वो दोनों गार्डन में गए हैं टहलने के लिए। मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक? तुम दोनों को भी बुलाया है, जाओ जाओ। ये दोनों हंसते क्यों रहते हैं हमेशा? कहाँ चले गए ये दोनों?
यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं उन अंकल आंटी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया था? तभी वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। मुझे तो ये दोनों अजीब लगते हैं। एक मिनट, मैं इनको फोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ आरती? प्रिया, उठो। की आवाज मार डाला, वो हम सबको मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे? और प्रिया का खून किसने किया? कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली, सबसे मनहूस रात थी। मेरी प्रिया मुझे छोड़कर चली गई। सकता हुआ था रात को वो पुट्ठा और बुढ़िया इंसान नहीं है, वो आत्माएं हैं। क्या? और वो परेश, वो इंसानों को मारकर उनके खून से लाल कमरे की दीवारों को रंगता है। उन सब ने मिलकर मेरी प्रिया को मार डाला। वो सबको मार डालेंगे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, 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 करी। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि रुको, पहले तुम्हारे अनिल को तो बचा लो। अनिल हाँ बच्चों, वेलकम लॉज में एक बार फिर से तुम दोनों का स्वागत है। अंकल ने तुम दोनों को ज्यादा डराया तो नहीं? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्योंकि अगर तुम अंकल से इतना डर गए तो जरा सोचो परेश से कितना डरोगे। ये कहाँ गई? अनिल को बचाना होगा। अनिल क्या मौत से आज तक कभी कोई लड़ पाया है?